स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप यू आर इट स्टूडेंट्स। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7C, क्वेश्चन 5, सिंपलीफाई द एक्सप्रेशंस। इन एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करना एंड वैल्यू फॉर a इज इक्वल टू -3, a की वैल्यू -3 रिप्लेसिंग करके इसका सॉल्यूशन करना होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका सिंपलीफाई करते हैं इक्वेशन का। इक्वेशन का सिंपलीफाई करने के लिए सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सबसे पहले ब्रैकेट का सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन इज इक्वल टू a प्लस 5 प्लस, ये जो ब्रैकेट से बाहर वाली, जस्ट बाहर वाली जो नंबर्स है वो अंदर वाले सभी से मल्टीप्लाई होंगे। तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? a से। तो 2a, 2 इंटू a इज इक्वल टू क्या हुआ? 2a। अब देखते हैं प्लस का 2 है इंटू माइनस का 1, ये प्लस का 2 किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा? माइनस के 1 से। तो 2 वन जा 2, प्लस माइनस 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 2। लाइक टाइम्स a और 2a, तो a प्लस 2a, प्लस का 5 माइनस का 2, a और 2a 3a, 5 से 2 माइनस करोगे प्लस का 3। रिप्लेसिंग a इक्वल टू -3 इन गिवन एक्सप्रेशंस वी गेट a की वैल्यू -3 पुट इन इक्वेशन, 3 इंटू -3 प्लस 3। पहले किसका सॉल्यूशन होगा अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास? मल्टीप्लाई, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 जा 9, इसका होगा माइनस का प्लस 3। अब यहाँ देखो माइनस का 3 है, प्लस का सॉरी माइनस का 9 है, प्लस का 3 है, ज्यादा किसका है बेटा? माइनस का। इससे कितना ज्यादा है? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6। तो माइनस का 6 आपका क्या होता है? आंसर। सेकंड क्वेश्चन, माइनस ब्रैकेट a प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3a, ब्रैकेट जस्ट बाहर यदि प्लस का सिंबल होता है तो a प्लस 2, इसका कोई सिंबल चेंज नहीं होता और इसको ओपन करते a प्लस 2 होगा। यदि जस्ट बाहर माइनस का सिंबल है, जैसे पहले वाले क्वेश्चंस में मैंने बताया था, इस माइनस के सिंबल की वजह से इनके सिंबल क्या होते हैं बेटा? चेंज होते हैं। तो a अभी किसका है? प्लस का। बाहर आते किसका हो गया? माइनस a। अभी ये प्लस के 2 है, इस सिंबल की वजह से प्लस माइनस माइनस 2। तो माइनस का a प्लस माइनस माइनस का 2 प्लस 3a। लाइक टर्म्स माइनस का a प्लस का 3a माइनस 2। अब बताओ इसकी वैल्यू 1 होती है, जब भी वैल्यू 3 में से 1 माइनस करोगे 2, 2a माइनस 2। रिप्लेसिंग a इज इक्वल टू माइनस 3, 2 इंटू माइनस 3, माइनस 2 अपनी जगह रहेगा। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करोगे मल्टीप्लाई का, तो माइनस का 3 टू जा 6 माइनस 2 माइनस का 6 और माइनस का 2 माइनस का 8 आंसर। सी क्वेश्चन a प्लस 2 ब्रैकेट a प्लस 3, अभी मैंने बताया आपको कि 2a प्लस 3 इसका क्या हो जाएगा? 2 को ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, 2a प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6। अब देखो इस क्वेश्चन को कि a प्लस 2a प्लस 3 टू जा 6, a और 2a 3a प्लस 6 है, a की वैल्यू क्यों क्या फाइंड करना है, क्या पुट करना है? -3। तो रिप्लेसिंग a इक्वल टू माइनस
3 in given expression we get 3 into minus 3 plus 6 multiplies minus 3 3 जा 9 plus 6 minus का 9 है plus का 6 है more than minus 6 के बाद 7 8 9 minus 3 is more answer ब्रैकेट माइनस ए प्लस वन इस टू को माइनस के ए से मल्टीप्लाई करोगे माइनस ए प्लस टू को किससे मल्टीप्लाई करोगे वन से टू इंटू वन ए को टू को माइनस के ए से तो माइनस का टू ए प्लस टू वन जब टू टू को माइनस के ए से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का टू ए प्लस टू वन जब टू अब ये देखो माइनस माइनस ए माइनस वन माइनस माइनस प्लस ए माइनस माइनस प्लस वन तो प्लस वन प्लस का ए प्लस का वन माइनस का टू ए और प्लस का ए प्लस टू प्लस वन माइनस के टू ए और इस ए की वैल्यू कितनी होगी वन माइनस के टू में से प्लस का वन आप यदि कैंसिल करते हो तो माइनस का ज्यादा है कितना वन ए वन ए को आप क्या लिखोगे ए माइनस का ए प्लस का थ्री रिप्लेसिंग ए इज इक्वल टू माइनस थ्री अब ध्यान देना आपको कि ये माइनस का ए प्लस थ्री है इस माइनस का सिंबल किसका है इक्वेशन का और माइनस थ्री इसकी क्या है वैल्यू प्लस थ्री माइनस माइनस प्लस का थ्री और प्लस थ्री ऑलरेडी अपने पास है तो थ्री और थ्री कितना हो गया प्लस का सिक्स आंसर Now we will start question number 6. Simplify these expressions and find their values if n is equal to 1, n is equal to minus 1, n is equal to 0. सबसे पहले जो आपकी इक्वेशन है n माइनस टू n माइनस n प्लस n इसका सॉल्यूशन आपको करना है तो देखते हैं अपन कि n 2n और n लाइक 2n प्लस n माइनस n टू एन प्लस एन अब आपको पता होना चाहिए बेटा कि माइनस का टू एन प्लस का एन माइनस का टू इसकी वैल्यू वन होती है प्लस का वन अब बताओ यहाँ ज्यादा किसका है माइनस का कितना वन एन एन वन को अपन लिखते इसकी वैल्यू ही वन मान जाती है तो माइनस एन माइनस एन यहाँ वैल्यू को करनी है अपने को एल की वैल्यू रिप्लेसिंग n is equal to 1, n is equal to minus 1, n is equal to 0. तो l की वैल्यू 1, माइनस किसका है क्वेश्चन का, n की वैल्यू 0, माइनस किसका है क्वेश्चन का, और इसकी वैल्यू क्या है माइनस का 1. दो सिंबल एक साथ नहीं रहते इसलिए ब्रैकेट लगाए हुए हैं. 1 माइनस 0, माइनस माइनस प्लस 1. 1 प्लस 1 माइनस 0 1 और 1 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2 आंसर टू एम माइनस एट एल प्लस फोर एम प्लस फोर एम माइनस एन एन का लाइक टर्म्स माइनस है एल का एल टू एम माइनस एन माइनस एट एल प्लस फोर एल प्लस फोर एन टू एम माइनस एन टू में से वन माइनस एन करोगे तो क्या बचेगा एन माइनस एट एल में से प्लस का फोर एल माइनस करोगे तो ज्यादा किसका होगा बेटा माइनस का कितना है फोर एल प्लस फोर एन रिप्लेसिंग n is equal to 1, n is equal to minus 1, n is equal to 0, n की
माइनस वन माइनस फोर इंटू एल की वैल्यू वन प्लस फोर इंटू एल की वैल्यू जीरो, ये इंटू है ये इंटू है, तो माइनस का वन माइनस का फोर प्लस का फोर, फोर और वन कितना हो गया माइनस का फाइव प्लस का फोर, ज्यादा किसका आंसर माइनस का कितना वन, माइनस वन आंसर। सी एन स्क्वायर माइनस फोर एम स्क्वायर प्लस एल एम माइनस एन स्क्वायर माइनस टू एम एम, सॉल्यूशन लाइक दिस, एन अकेला है एम स्क्वायर का माइनस एम स्क्वायर एल एम का एम एम, तो माइनस फोर एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस एल एम माइनस टू एम एम, क्या बच गया प्लस का एन स्क्वायर माइनस का फोर एम स्क्वायर माइनस का एम, फोर और कितना हो गया माइनस का फाइव एम स्क्वायर एल एम, ज्यादा किस है यहाँ टू एस की वैल्यू वन है माइनस का ज्यादा तो माइनस वन एम एम प्लस एन स्क्वायर रिप्लेसिंग एल इज इक्वल टू वन, n इज इक्वल टू माइनस का वन और n इज इक्वल टू जीरो, माइनस का फाइव इंटू एम की वैल्यू माइनस का वन स्क्वायर माइनस एम की वैल्यू माइनस वन इंटू एल की वैल्यू वन प्लस एन की वैल्यू जीरो का स्क्वायर, माइनस का फाइव इंटू माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन इंटू माइनस वन इज इक्वल टू प्लस का वन, माइनस माइनस प्लस वन इंटू वन प्लस जीरो का स्क्वायर जीरो, ये इंटू है ये इंटू है, तो माइनस फाइव को वन से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का फाइव प्लस वन बन जा वन प्लस जीरो, माइनस का फाइव प्लस वन में जीरो ऐड करोगे तो वन, यहाँ माइनस का फोर फाइव है प्लस का वन है ज्यादा किसका है माइनस का कितना फोर आंसर। वन माइनस का फोर एन का टू एन माइनस थ्री एन प्लस टू एन माइनस फाइव एन, यहां देखो माइनस का फोर है प्लस का वन है ज्यादा किसका है माइनस का कितना थ्री, माइनस थ्री माइनस का थ्री एन प्लस का टू एन, तो किसका बच गया माइनस का क्या बच जाएगा एन माइनस फाइव एन रिप्लेसिंग एन इज इक्वल टू वन एन इज इक्वल टू माइनस वन और एन इज इक्वल टू जीरो, माइनस थ्री माइनस एन की वैल्यू जीरो माइनस फाइव इंटू एल की वैल्यू वन, माइनस थ्री माइनस जीरो और माइनस फाइव माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस जीरो, माइनस का फाइव और थ्री माइनस फाइव और माइनस थ्री माइनस एट माइनस जीरो इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस एट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन टू एम स्क्वायर माइनस टू एन स्क्वायर माइनस फोर माइनस एन स्क्वायर प्लस थ्री, सॉल्यूशन एन स्क्वायर का लाइक टर्म्स एन स्क्वायर का लाइक टर्म्स है नहीं अकेला है होल नंबर बार माइनस फोर और प्लस थ्री, टू एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस टू एम स्क्वायर माइनस फोर प्लस थ्री, एम स्क्वायर फोर माइनस माइनस फोर प्लस थ्री, अब देखो टू एम स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर टू में से वन माइनस करो तो वन वन एम स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका एम स्क्वायर माइनस टू एम स्क्वायर
यहाँ किसका सिंबल जा रहा है, माइनस का, तो -1 रिप्लेसिंग एल इज इक्वल टू 1, एल इज इक्वल टू -1 और एन इज इक्वल टू 0। एन की वैल्यू -1 का स्क्वायर -2 इंटू एन की वैल्यू 0 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर प्लस का क्या होगा 1, 2 इंटू 0 -1, 1 माइनस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 0 और -1 प्लस का 1 माइनस का 1 -0 प्लस के 1 में से माइनस का 1 माइनस करो तो क्या हो गया 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 आपका क्या बेटा आंसर। If r is equal to minus 10, simplify and find the value of r cube minus 5 bracket r minus 5 is equal to r cube minus 5, r ki value minus 5, so minus 5 into r, second minus 5 into minus 5, minus 5 ko r se multiply karo to minus 5 r, minus minus प्लस का 25, तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस 5 आर और माइनस माइनस प्लस आई 5 जा 25 रिप्लेसिंग आर इज इक्वल टू माइनस 10, आर की वैल्यू माइनस 10 का क्यूब माइनस 5 इंटू आर की वैल्यू माइनस 10 प्लस 25 माइनस 10 का क्यूब इज इक्वल टू माइनस 10 इंटू माइनस 10 इंटू माइनस 10 वन माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 10 10 जा 100 100 को 10 से करोगे तो 1000 माइनस 1000 और माइनस माइनस प्लस 5 10 जा 50 प्लस 20 माइनस 1000 और प्लस 75 माइनस 925 आंसर। आर क्यूब माइनस 5 ब्रैकेट आर माइनस 5 इज इक्वल टू आर क्यूब माइनस माइनस 5 इज इक्वल टू आर माइनस 5 माइनस 5 इंटू आर और माइनस 5 इंटू माइनस 5 माइनस 5 आर माइनस 25 माइनस माइनस प्लस 25 माइनस 5 आर माइनस माइनस प्लस का 25 रिप्लेसिंग आर इज इक्वल टू 10। स्टूडेंट्स से पहले वाले क्वेश्चन में आर की वैल्यू क्या थी माइनस 10, 10 का क्यूब माइनस 5 इंटू आर की वैल्यू 10 प्लस 25 10 का क्यूब इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000 1000 माइनस 5 10 जा 50 प्लस 25 1000 50 प्लस 25 तो माइनस का 25 1000 माइनस 25 इज इक्वल टू कितना हो गया 975 आंसर। इट्स ओके, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। बार-बार प्रैक्टिस करोगे तब ही एलजेब्रिक एक्सप्रेशन की ये सॉल्यूशन कर पाओगे। यदि नहीं समझ में आता तो वीडियो को बार बार देखना है। इट्स ओके।